जेके टॉपर, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यहाँ पर आपके लिए जो है एक करंट अफेयर्स का यहाँ पर टॉपिक लेके आए हैं, जो कि 28 नवंबर की यहाँ पर करंट अफेयर्स रहेगी। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच प्लेटफॉर्म हैज़ वॉन बेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म बाय एसोचैम। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा प्लेटफॉर्म है जो यहाँ पर जीता है बेस्ट ई लर्निंग, ठीक है, एसोचैम के द्वारा। तो यहाँ पर कौन जीता है? आपका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन बी है, NIIT डिजिटल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हु वॉज ऑनर्ड विद द एशियाज इंस्पायरेशनल लीडर 2022 का अवार्ड। यहाँ पे कौन ऑनर किया गया था, ठीक है, एशिया इंस्पायरेशनल लीडर 2022 का, तो वो अवार्ड मिला था किसको? ऑप्शन जो आपका बी है, प्रशांत वाघ। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर चलते हैं, विच स्टेट्स सुल्तानपुर विलेज हैज़ बीन रीनेम्ड एज राहुल नगर। कौन सी स्टेट है? सही ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर इज ऑप्शन सी, महाराष्ट्र, ठीक है, जिसको राहुल नगर के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। सुल्तानपुर में जो है पूरी पॉपुलेशन कितनी है? 1600 यहाँ पर हाउस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडियाज़ फर्स्ट एवर नाइट स्काई सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट। इंडिया का पहला जो नाइट स्काई सेंचुरी है वो कहाँ पर लोकेट करता है? वो लोकेट है कहाँ पर? ऑप्शन आपका सही जो है डी, लद्दाख में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज निक्षय मित्रा एम्बेसडर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। किसको अपॉइंट किया गया है, कौन से एम्बेसडर हैं वो आपके बताना है आपको। तो सही आंसर जो है आपका यहाँ पर डॉक्टर दीपा मलिक, ऑप्शन डी है आपका बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। यहाँ पर निक्षय मित्रा जो है वो किसके अंदर आता है? प्रधानमंत्री डीबी मुक्त भारत अभियान के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडियन रेलवेज हैज़ प्लान टू इंट्रोड्यूस टाइल्टिंग ट्रेन्स बाय। किसके द्वारा यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है, कौन से ईयर में? 2026। ऑप्शन बी है आपका बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिट्से चाविस हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ। नए प्राइम मिनिस्टर हैं बिट्से चाविस, कौन सी कंट्री के हैं? तो ये हैं आपके यहाँ पर, ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है सी, पेरू के, ठीक है। इनकी एज कितनी है? 33 ईयर्स ओल्ड हैं ये, और ये लॉयर भी हैं यानी कि वकील भी हैं, और ये क्या है, 5th प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच फिल्म हैज़ वॉन 53 और चैलेंज फॉर 75 क्रिएटिव माइंड्स। आपको उस फिल्म का नाम बताना है जिसने यहाँ पर 53 और का चैलेंज जो है यहाँ पर जीता है, तो वो है आपकी कौन सी फिल्म है? ऑप्शन आपका बी, डियर डायरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच फिल्म हैज़ वॉन प्रसाद DI अवार्ड एट द फिल्म बाजार सेक्शन ऑफ द IFFI इन गोवा। सो IFFI का फुल फॉर्म, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। तो कौन सी फिल्म ने यहाँ पर ये जीता है प्रसाद DI अवार्ड? तो ये जीता है आपका मिठिया, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है अगंतुक, ठीक है, अगंतुक जो है ये एक बांग्लादेश की मूवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच स्पेस एजेंसी हैज सक्सेसफुली इंजेक्टेड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ओशन सेट। तो यहाँ पर कौन सी एजेंसी जो है यहाँ पर कामयाब हुई है? तो वो है आपकी यहाँ पर इसरो, जिसने यहाँ पर PSLV लॉन्च किया है यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, इसमें जो है ये कामयाब हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर, हु हैज़ ऑर्गेनाइज द 59th ABU जनरल असेंबली 2022 इन
दिल्ली, तो एबीयू की फुल फॉर्म है आपका यहाँ पर एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के यहाँ पर जनरल असेंबली के, किसको किसने यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया था? तो सही आंसर जो है आपका ऑप्शन ए, प्रसार भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोनजल 2022 इज एन एनुअल यूथ फेस्टिवल हेल्ड इन विच स्टेट? सोनजल 2022 का जो एक यूथ, ये यूथ है, ये फेस्टिवल कब जो है यहाँ पर, कहाँ पर, कौन सी स्टेट में जो है यहाँ पर सेलिब्रेट फेस्टिवल किया जाता है? तो ये है आपका सही आंसर जो है यहाँ पर, जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन जो है सी, जिसके लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं हमारे जम्मू एंड कश्मीर के, कौन है, मनोज सिन्हा। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर ये इनॉग्रेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, विच कंट्री हैज साइन द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट गैस सप्लाई डील विद चाइना? तो कौन सी कंट्री ने जो है यहाँ पर साइन किया है सबसे जो है यहाँ पर लॉन्गेस्ट गैस सप्लाई, किसके साथ? चाइना के साथ। तो सही आंसर आपका ऑप्शन बी है, कुतार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस ट्रैक केडी ऐप टू ट्रैक द क्रिमिनल्स? पुलिस डिपार्टमेंट ने क्या किया है, एक ट्रैक केडी जो है यहाँ पर ऐप जो है ये इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, यानी कि कोई भी क्रिमिनल को ट्रैक करने के लिए, पता लगाने के लिए, कौन सी स्टेट ने किया है ये? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन डी इज़ तमिलनाडु। ठीक है, सो ये थे आज के आपके क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर्स के रहने वाले हैं, ऑल एग्ज़ाम के लिए जो है यहाँ पर, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो है यहाँ पर इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।